अरे तेरे जैसा यार जगत में मुझे टोहे से भी पाया ना। अरे धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी स्वाभिमान गिराया ना। ओ तेरे जैसा यार जगत में टोहे से भी पाया ना। अरे धन्य सुदामा कौन सी बात सही को ना। दानो तक मोहताज सुदामा तेरे कोड़ी पास रही को ना। सब तरिया से ठोके देखा अपनी आल दई को ना। जितने दिन रहा मेरे धोरे तन माड़ी बात कही को ना। सब ढाला की कथा कही, सब ढाला की कथा कही, पर घर का हाल बताया ना। तेरे जैसा यार जगत में तोहे से भी पाया ना। ओ तेरे जैसा यार जगत में साथियों टोटा इतना खराब बताया है इस संसार के अंदर कि जो अपने शरीर में से अपने पेट से निकालती है जो माँ भूख के कारण जब पेट में आग लगती है तो बच्चों तक भी गिरवी रख देते हैं। अरे वक्त रे समय समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है नरसे बड़ा बलवान समय होता है। सजनों टोटा किसी को ना दे परमात्मा। यार रिश्तेदार सगे संबंधी सब धोरा धर जाते हैं किसी दुकड़िया या चौपाड़ पर भी बैठे हैं और उनके सामने से कोई गरीब आदमी गुजर जाए बेशक से गांव का है परिवार का है बस्ती का है और उसको पता है कि भाई इसके पास में आज इसकी स्थिति इतनी खराब है कि इसके पास में खाने के लिए भोजन भी नहीं है तो साथी नजर बचा लेते हैं इंसान या वहां से खड़ा होकर के चला जाएगा दूर से ही देखते हैं फलाना आ रहा। खास भाई भी है और गरीब है बारात भी आ रही है तो ये बता देगा कि भाई वो तो पल्ले मोहल्ले में रहता है मैं उसको जानता नहीं हूं। वक्त की वक्त से क्या शिकायत करे ना वक्त रहा ना वक्त की बात रही। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रे सुदामा तूने तो मुझे नहीं बताया लेकिन रात मेरे सपने में मेरी भाभी मिश्रानी सुशीला आई थी और उसने मुझे सारा हवाला बता दिया। क्या बता दिया अरे सपने में मन है सपने में मन तेरे से मिश्रानी लड़ती देख रही भूख प्यास में तेरे बच्चों की आब उजड़ती देख रही घर घर धक्के खाए रे तने तेरी हवा बिगड़ती देख रही मेरे धोरे तू जब आया जब तने दुनिया हटती देख रही टोटे में
बस हो गया, छोटे में बेबस हो गया, पर तीन ईमान बिगाया ना, वो तेरे जैसा जगत में तोहे से भी पाया ना, वो तेरे जैसा जगत में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, बहुत इनाम पुरस्कार पहले भी 10 रुपए फिर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अपनी कंडीशन के हिसाब से जिसकी जो श्रद्धा है उसने दे दिए हैं। तीसरे नंबर पे ये कहने लगे श्री कृष्ण जी के, जब तू यहां से बाहर निकलेगा तो मुझे गाली देनी शुरू करेगा। सुदामा क्या कहते हैं, क्या बताए, मैं सब जानू तू बाहर निकल के नैनो नीर बहावेगा, खाली हाथ तो भेज दिया मुझे 100-100 गाल सुनावेगा, कृष्ण जी को छलिया ठगिया धोखेबाज बतावेगा, पर मेरे यार जैसा तने यार ना ढूंढे पावेगा, तने के बेरा तेरे प्यार में बहके, के बेरा तेरे प्यार में बहके, तने टूक तलक भी खाया ना, ओ तेरे जैसा यार जगत में तोहे से भी पाया ना, ओ तेरे जैसा यार। साथियों श्री कृष्ण जी ने सुदामा को विदा कर दिया और उधर से विश्वकर्मा भगवान को बुला लिया, विश्वकर्मा से बुला करके कह दिया, विश्वकर्मा ऐसे देवता थे साथियों जो देवताओं के लिए महल तैयार किया करते थे, विश्वकर्मा को बुला करके कह दिया, अरे विश्वकर्मा मेरा यार सुदामा दो लोगों का राजा हो गया है, उसको वहां पहुंचने से पहले उसके लिए ऐसा महल बना करके तैयार कर देना जिसको देख करके ये दुनिया दंग रह जाए। हे सुदामा तने के बेरा तेरे प्यार में बहकर मने टूक तलक भी खाया ना, धन सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान गिराया ना। इंसान के गरीबी बेशक हो लेकिन अपने वजूद को अपने जमीर को कभी इंसान को खोना नहीं चाहिए लोगों। और न्यू कहते हैं विद्रव देश पहुंच मेरे मित्र तेरे चंगे हाल बना दूंगा, तेरे महल में मान सरोवर जैसे ताल बना दूंगा, हीरे मोती कड़ी मणि से माला माल बना दूंगा, दुनिया भर में यारी की एक गजब मिसाल बना दूंगा, ब्रह्मपाल ने भी जीवन में इसा छंद अनोखा गाया ना, वो तेरे जैसा यार जगत में तोहे से भी पाया ना, वो धन सुदामा टोटे में भी कभी तेरा काम ना छोड़ेंगे हम, हो कभी तेरा काम ना छोड़ेंगे हम, चाहे जमाना करे लाखों सितम आए, कभी तेरा काम ना
वाले घर अपने माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए, माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए। ये भजन करूँ अरे गुरु की सेवा और कोई हिलना ना चाहिए। हो जा पूरे मरे घर अपने माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए, माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए। ओ भाई ऋतिक यार करके कतल कुएं में गिरा के काम रहा घर जाने का, घर जाने का। अरे क्रोध न त्याग, अरे क्रोध न त्याग, शांति ही करना नेम फकीरी बाड़े का, नेम फकीरी बाड़े का। जब नहीं फिर के मतलब अपने और बिराने का, ओ बिराने का। अरे सबका भला फकीर करे बस काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। ये रब्बे दर्दी प्यार रहम का होना कुटुंब कभी हिलाना चाहिए। हो पूरण मले घर अपने माँ बाप का गिला ना चाहिए, माँ बाप का गिला ना चाहिए। बेटे पूरण मल कहिए गुरुदेव, तुझ जैसे बेटे का होना एक राजा के घर में ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तू अकेला पुत्र है, तेरे बगैर राजपाट सूना हो जाएगा, तू अपने वतन के लिए वापसी चला जा। गुरुदेव मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर भी मैं कह रहा हूँ मैं अपने वतन को नहीं जाऊंगा, मैं ईश्वर भक्ति में और आपकी सेवा में आपके चरणों में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। कहिए सुनिए। शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्म राज ईश्वर का नाजरी मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, वो खिलाफ लिखे। ये करामात हो साधु में जो खतावार ने भी माफ लिखे, खतावार ने माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके वो, जिसमें बेटे का खून पके वो पाप पति लाना चाहिए। हो साधु सेवक, साधु सेवक साहूकार का और सुबह नसी लाना चाहिए, सुबह नसी लाना चाहिए। और भाई इसी रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय बड़े भाई ओमपाल फौजी जी, जिनकी तरफ से 2100 रुपए पहले, फिर से दोनों कलाकारों का 100-100 रुपए से सम्मान करते हैं भाई का, बार बार धन्यवाद। और हमारे देश के जो सच्चे हीरो हैं वो फौजी हैं। और हमारे परम आदरणीय बाबा भागमल जी, जिनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान हम दोनों कलाकारों के लिए आया, बार बार धन्यवाद। चलिए पूर्णमल कह रहा है कि मानस खानी डायन बनगी न्यू ना दे बेटे खानी, अपनी मौसी के लिए कह रहे हो पूर्णमल? गुरुदेव जो आप ये दिशा मेरी देख रहे हो ये मेरी मौसी के कारण की है। लेकिन समय
इतना बड़ा मरहम हो सकता है, समय इतना बड़ा मरहम हो सकता है कि जो हर घाव को भर दिया करता है। वो समय और था जब तुम्हारी मौसी ने तुझ पर झूठा आरोप लगा करके तुझे जल्लादों को सौंपवाया था, लेकिन आज उसका भी स्वभाव बदल गया होगा, उस पे वो रौनक और उसके वो विचार बदल गए होंगे। बेटे अपने वतन के लिए चला जाए। हे गुरुदेव, ये ऐसा मरम नहीं है जो मल्लम से भर सके, ये जिंदगी का मल्लम। मानस काली डायन पर की नूना दे पेट खानी, ए खानी। उसका भी सुबह बदल गया होगा, भड़के जो बन का पानी, भड़के जो बन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, इब तक भी को ना जानी, को ना जानी। अरे संत बुरा ना माना करते, सहजा भली बुरी वाणी, ये सहजा भली बुरी वाणी। अरे लोटा सोटा और लंगोटा, संत का ढीला ना चाहिए, हो ना देखन में, ना देखन में दोष बाग में, फूल पतीला ना चाहिए, ये फूल पतीला ना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ऐसा फूल नहीं होना चाहिए। बेटे समय बहुत बड़ी चीज हुआ करती है, अगर जो गुरु महाराज की कृपा होगी तो सब काम तेरे सिद्ध होते हुए चले जाएंगे, तुझे किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी गुरुदेव जीवन में नहीं रहेगी। मेरी यानी सी मर्थी जब मेरी मौसी ने मेरे पर इल्जाम लगाया था और जल्लादों को सौंप दिया मेरे पिताजी ने और कुएं में कटवा दिया था और आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं तेरी बात को। पूर्णमल कह दे क्या कहना चाहता है, सुन लिए गुरुदेव। यारा कच्चा फूल तोड़ के गिरा, नहीं डाल में फेर लगे, ओ फेर लगे। जिस पर कृपा संत करे सब काम बने ना देर लगे, काम बने ना देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊंगा, अच्छी ममता मेरे लगे, अरे मेरे लगे। तू याद करे मैं वही मिलूं जब मेरे नाम की ढेर लगे, मेरे नाम की ढेर लगे। यार कह रघुनाथ गान की खतरी, कच्चा चेला ना चाहिए, हो गाना हो भाई गाना हो, लहदारी का बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा मन और कोई हिला ना चाहिए, हो जा पूरन मल घरे अपने, माँ बाप का गिला ना चाहिए, माँ बाप का गिला ना चाहिए। जोरदार ताली, जोरदार ताली। मैं उसे समुंदर मानू हूं, ये न दिखे जिसमें हो गहराई, अरे धर्म युधिष्ठर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रहो, करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानू हूं वो जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रहो, करण तुम्हारा भाई।
अरे फिर पाछे पछतावेगी जो एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जागा दिन की बदलेगी रात दिखे, राजपाट और बहु बेटों से तू धो बैठेगी हाथ दिखे हो धो बैठेगी हाथ दिखे। अरे अपने आगे अपने हाथों अपने आगे अपने हाथों कर ले खड़ी तबाही, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए धर्म तुम्हारा भाई रहो धर्म तुम्हारा भाई। अरे पहले खुल जा भेद अगर यो जान रचान ना बेटा, जो तेरे साल बनो मैं काटे कष्ट उठान ना बेटा। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जान ना देता, चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता हो हाथ लगाने ना देता। अरे इतनी कह के करण बलि की इतनी कह के करण बलि की फिर भर के छाती आई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रे हो करण तुम्हारा भाई। पहले खुल जा भेद अगर यो जान रचाने ना देता, जो तेरे साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहु दरबार में जाने ना देता, चाहे वो इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। अरे इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई। महारानी अगर जब मुझे पहले पता होता कि ये पांचाली द्रौपदी मेरे पांच भाइयों की पत्नी है, मुझे पहले पता होता कि ये मेरी कुल बहू है, तो दुर्योधन और दुशासन की तो हिम्मत क्या। अगर जो वो देवताओं का राजा इंद्र भी आकर के द्रौपदी के चीर को छूने की पकड़ने की कोशिश करता, तो इस कर्ण बलि के होते हुए संभव नहीं था महारानी, लेकिन तूने बहुत देर कर दी और इतने दिन के बाद में आज मेरे भाई अपनी मंजिल के करीब आए हैं, और तू ये राज उनको बता देगी तो वो मेरे सर के ऊपर अपने ताज को हटा करके रख देंगे और मैं उस ताज को उठा करके और दुर्योधन के सर के ऊपर रख दूंगा, क्योंकि उस दुर्योधन के मुझ पर एहसान है। तीसरे नंबर पर क्या कहा भला, वो टोल के मंजिल तट आए हो, वो टोल के मंजिल तट आए सब डुले डुलाए रह जाएंगे, जो हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे, बलवानों के बाण जोर पे तुले तुलाए रह जाएंगे, तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे हो खुले खुलाए रह जाएंगे। अरे तेरी भी क्या मेरी भी हाँ तेरी भी क्या मेरी भी हो इसमें मान भलाई,
तुम्हारा भाई रे हो करण तुम्हारा भाई। भेद बात का खुल जागा, भेद बात का खुल जागा, तो ने मोर धर्म उठ जागे। एक बोल में पता नहीं किस किस के प्रण टूट जागे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूट घूट जाएंगे। अरे पूरा प्रण करण की खातिर, पूरा प्रण करण की खातिर बैठे आस लगाई। धर्म युधिष्ठिर रे से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रे हो करण तुम्हारा भाई। और भाई इसी रागनी पर खुश होकर के हमारे आदरणीय लीलू सनोब सुखबीर जी कोटा से वो 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए आदरणीय सुभाष राठी जी कोटा से, वो भी 100 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। कोई ना कोई शब्द इस रागनी का उनको पसंद आया है, सम्मान बढ़ाया है महामाई, उनका सम्मान बढ़ा करके रखें। साथियों चौथी कली के अंदर, चौथी कली मैंने आपके बीच में सुनाई है, कभी भी इस रागनी को बनाते हुए भार विभोर हो गए और उन्होंने पांचवी कली इस रागनी के अंदर लिखी। पांचवी कली में क्या बताया भला, अरे दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस कड़वट ऊट बैठ जागा। हो कड़वट ऊट बैठ जागा। अरे हाथ जोड़ के अरज करूं रे, हाथ जोड़ के अरज करूं, जो माने कुंती माई। धर्म युधिष्ठिर रे मत कहिए तुम्हारा भाई रे हो करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानू हूँ जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रे हो करण तुम्हारा भाई। जोरदार ताली हो जाए। ओ रीम राहुया जोगिया बाणा मेरा हुया जोगिया बाणा मेरा हुया री जोगिया बाणा मेरा हुयारी जोगिया बाणा। अरी रहना साधु तन तो मैं और भीख मांग के खाना मेरा हुयारी जोगिया बाणा मेरा
यारी जोगी या बाणा। अरे मेरी एक नहीं सुनती तू जमरी अपनी बात पे, मेरी एक नहीं सुनती तू जमरी अपनी बात पे, तन की खाल तार के रीरी पास मार के गात पे, तन की खाल तार के रीरी पास मार के गात पे, बिना खोट मत ना मारे मत ना मारे, बिना खोट मत ना मार मेरी चल दूरी बाण हुयारी जोगी या बाणा, मेरा हुयारी जोगी या बाणा। जब मेरी बहन चंद्रावल का ब्याह हुआ था तो मैंने तुझे मोल खरीद करके उसे दिया था, और आज तू आकर के मेरे पास मारने के लिए आ गई, क्या कहने लगा क्या लिखा? सेवक हो के सिर पे चढ़ की कौन नशे में टूनगी, सेवक हो के सिर पे चढ़ की कौन नशे में टूनगी, लेके मोल बहन को दे दी सत्यानाशन भूलगी, लेके मोल बहन को दे दी सत्यानाशन भूलगी, तेरे लायक काम नहीं था काम नहीं था, तेरे नायक काम नहीं मत फेर के पास उठाना, मेरा हुयारी जोगी या बाणा, मेरा हुयारी जोगी या बाणा। सबूत देने का कोई मतलब नहीं है बांदी, क्योंकि अगर तू चंद्रावल को जाकर के बताएगी, क्योंकि मैंने और चंद्रावल ने एक ही कोक में पांव फैलाए हैं, साथ साथ बड़े हुए हैं, जाकर के उसे एक बार बता दे कि तेरा भाई गोपी चंद आज तेरे दरवाजे पे आया है, क्या कहने लगा कैसे? चंद्रावण का भाई जल्दी खबर करो रणवास में, चंद्रावण का भाई जल्दी खबर करो रणवास में, एक कोख में पाव फलाए हो जागी मेरे पास में, एक कोख में पाव फलाए हो जागी मेरे पास में, प्राण तजु थरी ड्योढ़ी पे थरी ड्योढ़ी पे, बुलाना मेरा हुयारी जोगी या बाणा, मेरा हुयारी जोगी या बाणा।
दादा गुरु पीरू पीर जी ने तोड़ किया है लास्ट कली में और बताया गोपी चंद को कितना दुख पहुंचा कि एक बांदी ने आज तेरे बांस मार दिया तो अपनी बहन से भी मिलने नहीं पाया। क्या लिखा है लास्ट कली में कैसे बेदर्दी से बांस मारती खोप करया ना राम का बेदर्दी से बांस मारती खोप करया ना राम का कैलाश कहूँ या स्वर्ग कहूँ है सतगुरु कोरी ग्राम का कैलाश कहूँ या स्वर्ग कहूँ है सतगुरु कोरी ग्राम का पीरू कहे मिलकवाड़ा ओ पीरू कहे मिलकवाड़ा उसक लहसुर में गाना मेरा हुयारी जोगी या बाड़ा मेरी न्यू आंखों में पानी है गुरु मैं निर्भाग मरा को ना जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा कोना घर का बाग हरा कोना मेरी जो आंखों में पानी है गुरु में निर्भाग भरा कोना जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा कोना घर का बाग हरा कोना आंखों में नीर बहे मेरी झाली उठे है काया में झाली उठे है काया में अरे बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठे का छाया में मेरा बर्तन वाला रहा नहीं क्या आग लगा दूं माया में आग लगा दूं माया में मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ इस दिल से दिल दुखी हुआ खुशियों से कदम भरा कोना जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा कोना घर का बाग हरा कोना हरदम आंखों में नीर बहे मेरी झाल उठे है काया में बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में मेरे बर्तन वाला रहा नहीं क्या आग लगा दी माया में मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ खुशियों से कदे भरा कोन्या जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा कोन्या। साथियों सात लाइन सुनाई है आपको इस रागनी की अभी अच्छी लग रही हो समझ में आ रही हो तो एक बार जोरदार तालियों से सम्मान बढ़ा दें और दूसरी कली इसी सुर से इसी रागनी को दूसरी कली को लेकर के आपके बीच में भाई बिशन सिंह जी इंदौर अपनी लहदारी में सुनाएंगे एक बार जोरदार ताली हो जाए बिशन के लिए चलिए
बुझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यूना दे दिन रात गुरु, मेरे न्यूना दे दिन रात गुरु। मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, बहुत बड़ी है बात गुरु। जब ऋषि मुनियों ने भी चाह बेटे की, तो मेरी क्या औकात गुरु, मेरी क्या औकात गुरु। उस उद्यालक को दुनिया में गुरु, उद्यालक को दुनिया में गुरु, बेटे बिना सरा को न्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न्या, घर का बाग हरा को न्या। तीसरी कली के अंदर कहने लगा कि इस कर्म पे किसी का लेखा जोखा नहीं होता, क्योंकि कर्म उसके कर्म ही होते हैं। जिस तरह भगवान जैसा कर्म जो बंदा करता है उसी के अनुसार सृष्टि की रचना होती है। क्या कहने लगा, कैसे जीवन तो अधम बिचारे लटक गया गुरु, अब मैं कहीं का भी नहीं रहा। वो राजा जिसने रानी की झूठी बातों में आकर के अपने इकलौते बेटे को जल्लादों को सौंपवाया था, आज अपने अतीत को सोच करके साथियों रो रहा है। चौथी और अंतिम कली के अंदर क्या लिखा है, क्या बताया भला भाई बिशन जी, बताएंगे। फूल नहीं फुलवारी में, फूल नहीं फुलवारी में। और लंदन सिंह राजपाल मन की खोल सुना दूसारी में, फिर सांस मार के यूं बोलिया, मेरा क्या है दुनियादारी में, हो क्या है दुनियादारी में। बात मरे पे कौन देखे है, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना, हर का बाग हरा को ना। मेरी त्यू आंखों में पानी है गुरु, मैं निर्वाग भरा को ना, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना, हर का बाग हरा को ना।
ना कुछ पार बसाए, जिस नर पे आफत पड़े उसका सब आदर घट जाए। समझदार मानस ने अपनी, जो समझदार आदमी होता है ना, उसको किन किन बातों का अनुसरण करना पड़ता है अपनी जिंदगी के अंदर ध्यान रखना। एक समझदार मानस ने अपनी इज्जत सबसे प्यारी हो, नेम बिगड़ जा धर्म छूट जा, जिस घर में धन की हानि हो, जो किसन धोरा चला गया इसमें बदनामी मारी हो, आज तलक भी सुनिया नहीं राजा का यार भिखारी हो, आज तलक भी सुनिया नहीं राजा का यार भिखारी हो, तेरा घर आए के भीख घाल तेरा हो, घर आए के भीख घाल तेरा के अरदास करिया, किसन धोर जाके तू कोई फरियाद करेगा, किसन धोर जाके तू कोई फरियाद करेगा। ये झूठ बोल के मेरे सामने भेद छिपाना ठीक नहीं, मैं पहरेदार खड़ा ड्योढ़ी पे तेरा योधिंग ताना ठीक नहीं, तेरे टूटे लीतर और फाटे वस्त्र भेस पुराना ठीक नहीं, इस हालत में कृष्ण जी के तेरा धोरे जाना ठीक नहीं, इस हालत में कृष्ण जी के तेरा धोरे जाना ठीक नहीं, तुझे हाथ पकड़ के ठा देगा, हाथ पकड़ के ठा देगा, फिर किसने याद करेगा, कृष्ण धोरे जाके मैं तू फरियाद करेगा, कृष्ण धोरे जाके मैं तू फरियाद करेगा। ढ्याल क्या होशियार भतेरा, वो द्वारपाल कह रहा है जो चौधरी पर संतरी खड़ा हुआ है सुदामा से, मैं पढ़ियाल क्या होशियार भतेरा, सब कुछ हरना जानू सू, ऐसा उसा मत समझ लिए मैं सब कुछ करना जानू सू, अरे जो नर बात प्रेम से कह दे बात पे मरना जानू सू, गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर भी धरना जानू सू, गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर भी धरना जानू सू, अरे जगन्नाथ अब समय रही नर हो, जगन्नाथ अब समय रही नर के बात करेगा, कृष्ण धोर जाके तू के फरियाद करेगा, कृष्ण धोर जाके तू के फरियाद करेगा, लग्या राजा का दरबार उड़े तू सहम
जी के जी पे क्या बनेगी। अरे मतलब कारण बेटे खानी तू आज करण की माँ बनगी हो, आज करण की माँ बनगी। भाई सुन के भारी चोट लगी रे है, सुन के भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बनगी। मतलब कारण बेटे खानी तू आज करण की माँ बनगी हो, आज करण की माँ बनगी। अरे माता वाला हो, जगत में कौन सा फर्ज निभाया। छाती से लिया बेटे को बता रही कितना दूध पिलाया रे हो, कितना दूध पिलाया। कदे मुँह चूमिया ना प्यार करया, बस एक यो लाड लड़ाया। दे के जन्म मारने खातर री गंगा बीच बहाया रे हो, गंगा बीच बहाया। लिया एक सूत्र ने काढ़ मेरे पे, एक सूत्र ने काढ़ मेरे पे, उस हर की नरम निगाह बनगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की माँ बनगी हो, आज करण की माँ बनगी। कहने लगे जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरा अपमान होता है, कहीं भी मेरा आदर सत्कार नहीं होता। क्या कहने लगा दूसरी गली में कैसे मने अपने ते ज्यादा जग मेरी, अपने ते ज्यादा जग में जीवन बेकार नहीं देखा। जहाँ गया अपमान हुआ तर सत्कार नहीं देखाया, तर सत्कार नहीं देखा। अरे किस तरिया माँ कहूँ तुझे मने, माँ का प्यार नहीं देखा। मेरी नीचे को रही निगाह नजर था, के संसार नहीं देखा था, के संसार नहीं देखा। अरे जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का बोल तोलना, हर वहाँ इज्जत पे वहाँ बनगी। मतलब कारण बेटे खानी आज करण की माँ बनगी हो, आज करण की माँ बनगी। कहने लगा अरे उस दिन क्यों ना बनी माँ, जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, सूत्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। उसने मेरे लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, और तू आज उस दुर्योधन से मेरा बचपन का याराना तुड़वाने के लिए आई है। कहने लगा कि अपनी खाल की जूती बनाकर दुर्योधन को पहरा दू तो भी उसका एहसान नहीं उतरेगा मेरे से। क्या कहने लगा कैसे अरे मां बन के तुड़वावन आई, मां बन के तुड़वावन आई, मेल मेरे बचपन का झूठे आंसू काढ़ बना री री पागल आज करने का रे हो, पागल आज करने का। तने यो जीवन अंधकार करया, वन चंदा करया गगन का, तोड़ कर दिया मर के भी, अरे मर के भी एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन का रे हो, उतरे दुर्योधन का।
वालों की, मिलके दगा करण वालों की, हर तरका में रूह शाह बनगी, मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की माँ बनगी, हो आज करण की माँ बनगी। हाथ जोड़ लिए और क्या कहने लगा कि आज भी आई तो उन बाणों के लिए आई जिनमें इस करण की जान बसती है, तुझे वो पांचों ही प्यारे लगे, छठा तेरा मैं होता तो तुझे मैं भी प्यारा लगता, मेरे पास पांच बाण मांगने में ही आती आज। क्या कहने लगा, क्या लख्या, अरे इतने दिन के बाद मेरे पैर, इतने दिन के बाद मेरे पैर दान मांगने आई है, जिन बाणों का गर्व मुझे वोरी बाण मांगने आई है, वो बाण मांगने आई है, जब छह बेटे हैं तेरे पांच के बाण मांगने आई है, बाणों का तो नामकरण की तू जान मांगने आई है, जान मांगने आई है, श्री लंदन सिंह राजबल मेरी, लंदन सिंह राजबल मेरी, हर हट के फिर कजा बनगी, मतलब कारण बेटे खाड़ी रे आज करण की माँ बनगी, हो आज करण की माँ बनगी, रे चुड़के भारी चोट लगी रे, चुड़के भारी चोट लगी मेरे जी के जी पे क्या बनगी, मतलब कारण बेटे खाड़ी आज करण की माँ बनगी, हो आज करण की माँ बनगी, रे कृष्णा रूपी झगड़ा से, रे कृष्णा रूपी झगड़ा से, या तो कृष्णा न्यारी न्यारी ज्ञान सुनने आले, हो सुनिए बात हमारी, ज्ञान सुनने आले, हो सुनिए बात हमारी, हो कृष्णा रूपी झगड़ा से, हो कृष्णा रूपी झगड़ा से, ये कृष्णा न्यारी न्यारी ज्ञान सुनने आले, हो सुनिए बात हमारी, ज्ञान सुनने आले, हो सुनिए बात हमारी, सारी दुनिया न्यारी ही न्यारी, सारी दुनिया न्यारी ही न्यारी, न्यारी न्यारी सबकी ही आस, नहीं बरोबर भूख एक किसी, नहीं बरोबर सबकी ही प्यास, जिस मानस की जैसी तृष्णा वैसी उसकी रहती आस, जिस मानस की जैसी तृष्णा वैसी उसकी रहती आस, बुढ़ा सोच छोरा मेरा पढ़ लिख के थनदार हो जा, छोरा सोच बूटा हमर जा, टिकट कटा के तैयार हो जा, फिर मैं सारी धरती बेचूं घर की मोटर कार हो जा, फिर मैं सारी धरती बेचूं घर की मोटर कार हो जा, सारी धरती बेच बगा दूं, सारी धरती बेच बगा दूं, खेलू खेल जुआरी ज्ञान सुनने वाले, हो सुनिए बात हमारी, ज्ञान सुनने वाले, हो सुनिए बात हमारी,
दोनों सोच से चुगल घोर दोनों सोच से चुगली कर बजवा दूं हुजूत लुच्चा लफंगा नू सोच से सबके बालक हो जाऊं गंगा जी का पंडित सोचे सबने ले जयम का दूत गंगा जी का पंडित सोचे सबने ले जयम का दूत वेद डॉक्टर नू सोचे से सारा गांव बीमार हो जा मुंशी और वकील सोचते घर घर में तकरार हो जा साधु संत से निक सोचे भारत का उद्धार हो जा साधु संत सैनिक सोचे भारत का उद्धार हो जा सदा सुहागने रहे लुगाई ओ सदा सुहागने रहे लुगाई जानू सोचे मनहारी जाने सुनने वाले ओ सुनिए बात हमारी जाने सुनने वाले ओ सुनिए बात हमारी और इसी रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय ओमपाल जी सराय से जिन्होंने 50 रुपए का पुरस्कार देकर के कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है आदरणीय ओमपाल जी कोटा से उन्होंने भी 100 रुपए का सम्मान देकर के कलाकारों का हौसला अफजाई किया है 1500 रुपए बाबा सोनारायण जी जिन्होंने 1500 रुपए का सहयोग तो मंदिर के लिए किया है और 100 रुपए हमारी पार्टी के लिए दिए हैं बहुत सुंदर रागनी अभी भाई बलजीत राजस्थानी के द्वारा आपके बीच में प्रस्तुत हो रही है बस समझ में आ रही हो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार तालियों से सम्मान जरूर बढ़ा दे बहुत दूर से चल करके कलाकार पहुंचा है बलजीत भाई जो है अलवर से आए हैं बहुत अच्छी रागनी वो सुना रहे हैं आइए अगली कली सुनाइए आइए बलजीत जी अफसर सोचे ओता बढ़ जा अफसर सोचे ओता बढ़ जा जिसके ऊपर बदलू खोड़ कंगला सोचे धन मिल जा मैं उसके ऊपर करूं मरोड़ रंडवा सोचे रंडवा सोचे ब्याह हो जा मेरा सर पे धर के देखूं मोड़ रंडवा सोचे ब्याह हो जा मेरा सर के ऊपर देखूं मोड़ पहलवान तो नू सोचे से हाथी जितना हो जा जोर मोटा सोता हाथ लाग जा मन में सोचे हर दम चोर बुढ़ा सोचे आंख बदल जा बालक जैसा हो जा दूर बुढ़ा सोचे आंख बदल जा बालक जैसा हो जा दूर कई कई मोठे नू सोचे से ओ कई कई मोठे नू सोचे से पड़ बैठू घर बारी जाने सुनने वाले हो सुनिए बात हमारी जाने सुनने वाले हो सुनिए बात हमारी सोचे से बेईमान तो नू सोचे से सारी दुनिया बेईमान दानी सोचे दया धर्म में
कितना करना चाहिए दान, मैनू सोचू भरी सभा में सबके भीतर भर दो ज्ञान, मैनू सोचू भरी सभा में सबके भीतर भर दो ज्ञान। सांस छूट जा आस टूट जा समझो जिंदगी खत्म तमाम, कोई भी तेरे साथ चले ना सबका साथी वो भगवान, भरी सभा के बीच गावता गाता देखा मुंशी राम, भरी सभा के बीच गावता गाता देखा मुंशी राम। मोह ममता के घेरे मेरे मोह ममता के घेरे मेरे बस की दुनिया सारी कहने सुनने आले, हो सुनिए बात हमारी कहने सुनने वाले, हो ये रे कृष्णा रूपी झगड़ा से रे कृष्णा रूपी झगड़ा से ये कृष्णा नारी नारी कहने सुनने वाले, ओ सुनिए बात हमारी कहने सुनने वाले, सुनिए बात हमारी। धन्यवाद।